तो दिल कब टूटा आपका कि यार मुझे बस मैं मायूस ही हो गया, बहुत गुस्सा आया? अब गुस्सा तो अब आपको आता ही नहीं है, तो आई कैन जस्ट आस्क यू अबाउट हार्ट ब्रेक. लड़की की बात नहीं करी मैं, जनरल लोगों के एटीट्यूड. वो तो पता नहीं कितने टूटे हो, पता नहीं. वो तो एक तरफा लव में ज्यादा टूटते हैं ना, क्योंकि एक बंदा कितने एक तरफा लव हुए. बच्चा कान बंद करो, उनका बेटा नहीं है, काफी हुए. जितने ये गुब्बारे लगे. रियली? खैर, दिल तो बच्चा है. ये बड़ा अच्छा गाना मुझे लगता है. दिल तो बच्चा है जी. वो इंसान का. हाँ, एक और बात, ये जो बचपन होता है ये कभी दिल से जाता नहीं, कहीं गायब नहीं होता. ये टूटता फूटता रहता है अंदर से, और ये बिल्कुल ये मामला चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं. और अब वैसे दिल पत्थर हो गया माँ के मरने के बाद. ये वैसे वेरी सैड नोट, इट्स अ वेरी वेरी सैड नोट. मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई. जवाद भाई गए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अमेरिका में, तो उनका लैपटॉप छुपा लिया शरारत के साथ उमर शरीफ ने, तो उसमें उनके सारे ट्रैक शैक थे. तो जवाद भाई ने पूछा भी नहीं कि मेरा जवाद अहमद ने, उन्होंने पूछा भी नहीं. उन्हें ये बात मुझे खुद बताई, वो लैपटॉप उन्होंने कहा यार ये तो पूछ भी नहीं रहा. उन्होंने जाके दरवाज़ा नॉक किया. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बड़ी पसंद आई थी. दरवाज़ा खोला, जवाद भाई ने, जी क्या बात है क्या? उन्होंने कहा आपकी कोई चीज़ गुमी है? जवाद कहते हाँ. उन्होंने कहा जी आपका एक लैपटॉप है? कहता हाँ मुझे पता है वो कहीं गुम गया. कहते नहीं हमारे पास है. तो आपको दुख नहीं हो, आप कोई तकलीफ नहीं हो रही हम कि आपका लैपटॉप गुम गया, आप खुशी नहीं हो रही? कहता जी मुझे अब किसी चीज़ की खुशी नहीं है. अभी अभी मेरी माँ फौत हुई है, लैपटॉप छोड़े सब कुछ चला जाए, मुझे किसी चीज़ की कमी खुशी नहीं. अगर ये भी चला है कि तो चल इसे जाने दीजिए. कुछ जिंदगी में ऐसे नोट्स होते हैं वो फिर आपको थोड़ा सा पत्थर कर देते हैं. तो खैर, द लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन. कितने अर्से पहले डेथ हुई? मम्मी मेरी 1.5-2 साल पहले की बात है. अभी तक आपको नहीं फील होता? मैं मुझे ऐसे लगता है कि मैं आधा दुनिया से चला गया हूँ, आधा रह गया हूँ, बस ऐसे फील होता है. खैर, अगली बात करते हैं. नहीं, ये बात मैं इसलिए आपसे थोड़े से इम्पॉर्टेंट पूछ रही थी कि मैं हमेशा ये मुझे बड़ा डर लगता है, मेरे लिए नाइटमेयर होता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए. कि जब पेरेंट्स नहीं होते तो जिंदगी की आप हंस उस तरह से नहीं सकते, शायद खुश नहीं उस तरह से हो सकते. मुझे मुन्नू भाई का फोन आया था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. मुन्नू भाई कहते हैं, और फाकत पता लगा तेरी माँ मर गई? मैं कह जी हाँ, मेरी वालदा फौत हो गई. कहते अरे वालदा नहीं फौत हुई, पुत्र मर गया है. मैं कह जी वो कैसे? कहना उन बेटा कहना ही नहीं किसी ने, 60 साल के हो जाओ. उसने कहना पुत्र कितने से तुम? 70 साल के हो जाओ. वो बेटा कहाँ थे तुम? 80 साल के हो जाओ. उसके बाद तो आप बेटे रहते ही नहीं, आप किसी के लिए बेटा नहीं, आप अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए बेटा. सो ये एक खैर, इट्स अ सैड स्टोरी. हम अपने देखने वालों को थोड़ा दुखी नहीं करते.